अरे यार बहुत दिनों से मजा नहीं आ रहा, किरकिरा सा हो रहा सब कुछ। वीडियोस तो थी पर मस्ती का यार वो डोज नहीं था जिसमें हमें एनर्जी मिलती। क्यों भाई, सही बोला ना मैंने? हाँ मालूम है यार, आप लोग भैया डिप्रेशन में आ चुके होंगे। एक तो भाई साहब काम की टेंशन, ऊपर से घर में ए जी ये जी लो जी वो जी खाओ जी सुनो जी। ओए वैसे एक मिनट यार, वैसे एजी ओजी से मुझे याद आया भाई, आपकी जो वाइफ कंप्यूटर हाफ है जो आपको ये एजी ओजी बुलाती है, क्या आप इसका मतलब जानते हैं? मुझे पता है भाई कोई नहीं जानता होगा, इसलिए दोस्तों आज के लाफिंग डोज लीजिए क्योंकि आपको यहाँ पर सब कुछ मिलेगा। बोले तो भाई एजी ओजी का मतलब और हंसी मजाक मस्ती से भरी हुई कुछ ऐसी वीडियोस कि दिन भर का टेंशन भाई चुटकियों में गायब हो जाएगा। इसकी तो भाई आपका भाई गारंटी लेता है। दोस्तों हर काम करने के लिए हमें स्मार्ट बनने की जरूरत होती है। वो क्या है ना भाई, एक झोल और कांड हो जाता है तगड़ा। आप मानेंगे नहीं लेकिन यहाँ भी भाई ये कांड हुआ तगड़ा वाला। जी हाँ, हुआ यूँ कि भाई ये मियाँ जी अपनी बीवी को बड़े प्यार से खाना खिला रहे थे। ये नजारा बड़े ध्यान से देख रही थी इन्हीं के पीछे टेबल पर बैठी महिला। महिला के मन की बात करें तो वो सोच रही है कि काश मेरा भी पति मुझे इतने प्यार से खाना खिलाए। अब तभी भाई इनके पति इस कपल को देखकर महिला के मन का हाल जान लेते हैं और फिर वो कुछ ऐसा करते हैं कि अब मैं क्या ही बताऊं, आप खुद ही देखो तो ज्यादा अच्छा लगेगा। आजी बदल लिया साला। चलिए भाई अब आपको दिखाते हैं आपकी फेवरेट क्लिप। अरे आपको नहीं जानना, आपकी बीवी जो आपको ए जी ओ जी लो जी सुनो जी में जो जी लगा के इज्जत बख्श रही है, उसका भाई असल में मतलब क्या है? इन्हें तो आप जानते ही होंगे। ये भाई खान सर, असल में आज ही आपको ए जी ओ जी लो जी और सुनो जी का मतलब अच्छे से बताने वाले। पति को शॉर्टकट में बुलाती है ए जी। ए जी का मतलब क्या था? अबे गधा। अगर आपकी पत्नी आपको बुलाए ना ए जी माने अबे अरे गधा, सुनो जी सुन बे गधा, इनको शॉर्टकट है उन लोगों के। ये भगवान क्या जुलूम है। इस बात पर खान सर ओपी बनता है, देखा इज्जत ही इज्जत में क्या मतलब गजब की बेइज्जती हो रही है, अरे गधा सुन पे गधा। भाई वीडियोस तो अभी और धमाल मचाने वाली है, इसलिए दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दे जिससे आगे जितनी भी वीडियोस हमारी आने वाली है ना वो आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। दोस्तों आजकल भाई चचा लोग पर भी जवानी का भूत छाया हुआ है और चचाओं की जवानी मेढक की तरह फुदक फुदक कर बाहर आ रही है। इन चचा को आप देखिए जो जवानी के नशे में भैया इतने चूर हैं कि लहरिया डांस पेश कर रहे हैं। ओए होए, मोहतरमा से ज्यादा जज्बा तो चचा के पास भरा पड़ा है। देख के लगता है जैसे अभी अभी देसी से एनर्जी लेकर आए। ओए होए होए होए, मैडम ने क्या छुआ, चचा के शरीर में बिजलियां दौड़ गई। ओ तेरी, चाचा ओ अरे चाचा, अरे म्यूजिक बंद करो जरा। चाचा चाचा हो गया, बस थोड़ा रेस्ट कर लीजिए वरना रेस्ट इन पीस हो जाएंगे। भाई अब जो वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूँ ना उसे देखकर आपकी हंसी तेज लहरों में गोते खाए बिना मानेगी नहीं, सच्ची कह रहा हूँ। यूं तो ये वीडियो गुड भैया के यूट्यूब चैनल का है लेकिन ये क्लिप दोस्तों इतनी ज्यादा फनी है कि मैं अपने आप को भाई कंट्रोल नहीं कर पाया। मेरा मतलब है कि वीडियो में इस क्लिप को ऐड करने से खुद को रोक नहीं पाया। क्या यार आप भी मतलब क्या सोचते हो हैं? ये लो भैया ये सारा सामान बांध दो। छोटू मैडम को बांध दे। क्या क्या बात, ये क्या बात करता है यार? मैडम का सामान बांध दे। अब आए ना लाइन पे। वैसे भाभी जी बड़े फ्रेश दिख रहे हो, क्या बात है, भाई साहब आ रहे हैं क्या दुबई से वापस? हाँ पिंकू के पापा ना पूरे 3 साल बाद आ रहे हैं मुझसे मिलने। तो क्या नाचो मैं? अच्छा 3 साल बाद, हाँ। तो पिंकू काफी बड़ा हो गया होगा। अरे नहीं नहीं सिर्फ 6 महीने का तो हुआ है अभी। लगता है कोई और बेल आइकन दबा गया। मेरी दीदी की शादी है, मेरी दीदी की शादी है, मैं तो डांस करूंगी। अच्छा तुम नहीं देखोगे? देखती हूँ मेरी खूबसूरत अदाओं पर कैसे तुम्हारी नजर नहीं जाती। नहीं नहीं मैं ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कह रही है भाई ये कन्या जो दीदी की शादी में ठुमके लगा रही हैं और जिन्हें ये कन्या ठुमके दिखा रही हैं, जब इन्होंने भाई इनके ठुमकों पर ध्यान नहीं दिया तो उसे उन्हीं के ठुमकों से ठुमको ठुमको कर दिया। कुछ ज्यादा ही ठुमके हो गए ना, ऐसा कीजिए आप देख लो भाई। सितंबर 2022 को दोस्तों झलको दिल्ली यूट्यूब चैनल पर अपलोड की गई इस वीडियो को देखकर सच्ची कह रहा हूँ अगर आपको हंसी नहीं आए तो कहना। यहाँ पे दो रिपोर्टर्स भाई एक 10वीं क्लास के छात्र से पूछते हैं कि दिल्ली का सीएम कौन है, तो बच्चा कहता है केजरीवाल। दिल्ली का सीएम कौन है? दिल्ली का सीएम केजरीवाल। नाम बताना केजरीवाल का।
पूरा नाम नहीं पता। अच्छा, पूरा नाम नहीं पता। इसके बाद भाई सवाल दागा क्या कि शिक्षा मंत्री कौन है, तो बच्चे ने कहा मुझे नहीं पता। शिक्षा मंत्री कौन है? शिक्षा मंत्री नहीं पता मुझे। अच्छा ये नहीं। अब पूछा गया राष्ट्रपति कौन है, ये देख भाई लड़के का सर भन्ना गया और उसने कुछ ऐसा कह दिया कि मैं अपनी हंसी को रोक नहीं पा रहा हूँ उसको सुन के। आप भी सुनिए। राष्ट्रपति कौन है? मुझसे मत पूछो, मेरी पढ़ाई खराब हो जाएगी, साफ सीधी बात है, मुझे पढ़ने जान दो, मेरे से मत पूछो। दोस्तों बिहार में इन दिनों शराब पर पाबंदी है, जिस वजह से भाई पियक्कड़ों को खासा परेशानियां उठानी पड़ रही है। वेल इस परेशानी का शिकार दोस्तों पियक्कड़ ही नहीं नौजवान भी है। अगर मेरी बात पे यकीन नहीं तो ये देखिए। हेलो, हम दारू पिए हुए हैं। हाँ, कोरोना हमको है, बोलिए और कुछ बात। अलीशा गुप्ता ने ये वीडियो भाई अपने YouTube चैनल पर 10 सितंबर को शेयर की, जिसमें वो इन लड़कों से कहती हैं कि अगर आपको एक दिन का सीएम बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये भी अनिल कपूर की फिल्म नायक की तरह भाई अपने देश का भविष्य सुधारेंगे, तो भाई जरा अपने दिमाग को आराम दीजिए क्योंकि इनके विचार तो भाई बिल्कुल अलग है। जरा सुनो, एक दिन का नायक बना दिया जाए बिहार का सीएम, तो आप क्या करेंगे बिहार के? सबसे पहले दारू चालू करेंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर। सबसे पहले दारू चालू करेंगे बिहार के सीएम बन के आप दारू चालू? हाँ, बिहार बर्बाद हो गया बिना दारू के। देश संकट में है। अब जरा एक नजर भैया इस वीडियो पर भी डाल लीजिए। दोनों लड़कियां ऐसे झगड़ रही हैं जैसे अभी एक दूसरे का काम तमाम कर देंगी, लेकिन धीरे धीरे सभी लड़कियां इन देवियों को अलग करने की कोशिश करती हैं, लेकिन बॉस कोई फायदा नहीं। दोनों लड़कियों को झगड़ता हुआ देखकर एक लड़की पाजी के पास आती है और झगड़ा शांत कराने को कहती है। तभी पाजी ने अपने तेज दिमाग का इस्तेमाल करते हुए और कुछ इस अंदाज में मैटर सॉल्व किया। दोस्तों मेकअप उस बला का नाम है जो 55 साल की महिला को 25 साल की सुंदर कन्या बना सकता है, और ये मेकअप दुल्हन का ऐसा रूप बदलते हैं कि भैया वो खुद को ना पहचाने, सच्ची कह रहा हूँ। लेकिन सोचिए अगर स्टेज पर कोई इनका मुंह धुला दे या भगवान जी को गुस्सा आए और वो बारिश करवा दे तो बॉस क्या होगा? अरे क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा भाई, सही कह रहा हूँ, दूल्हा फरार होगा, बाराती टेबल कुर्सियों के नीचे होंगे। अब यहाँ ऐसा ना हो जाए भाई, इसीलिए इस दुल्हन की बहन आई और चुपके से कान में कुछ ऐसा कह गई कि दुल्हन का रोना चुटकी बजाते भाई बंद हो गया। हाँ? रो मत, अगर मेकअप उतर गया ना तो बारात वापस चली जाएगी। पल भर में कैसे बदलते वेल दोस्तों आगे अभी और क्लिप्स आने वाली है, मैं आपको सभी दिखाने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले आप मुझे बताइए आप कहाँ से हमारी वीडियो देख रहे हैं, किस गांव से, किस शहर से, किस देश से, प्लीज बताइए जिससे हमें पता चले हमारी वीडियो भाई कहाँ कहाँ पहुँच रही है। ये लड़की नहाना चाहती है इसलिए दोस्तों वॉशरूम की तरफ जाती है, लेकिन वो देखती है कि भाई वहाँ तो एक शीशा है जिसे देखकर उसे ऐसा फील हुआ कि उस शीशे में से सब कुछ दिखाई देता है। इसलिए ये बेचारी वापस आई, लेकिन भाई साहब के हाथ में जो रिमोट है उसका कमाल देखिए कि शीशा सफेद चादर बन गया। ओए होए होए होए। अब यही मानते हैं कि पंख होने के बाद भी मुर्गा भैया जो है वो उड़ान नहीं भर सकते, तो बॉस आज आपकी सोच बदलने वाली है। ये दो घूंट पीकर तैयारी में है आपकी सोच बदलने के लिए। जी हाँ, एकदम कड़क माल है। 1 2 3 और गो। पक्षी बनू उड़ता फिरू मस्त गगन में। आए हाय, मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। क्या लबे सीरी सा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन तो। ए भाई लोग इधर आओ इधर आओ। आप जानते हैं कि दूल्हे को जो नोटों की माला पहनाई जाती है उसे बंद क्यों कर दिया गया है? मेरा मतलब है कि आजकल कोई दूल्हे को नोटों की माला क्यों नहीं पहना रहा है, जानते हैं कुछ? नहीं तो कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं बताता हूँ। दरअसल भाई कई लोग नोटों की माला देखकर दूल्हे से मक्खी की तरह चिपक जाते थे और धीरे धीरे करके नोटों को जेब में रख कर दूल्हे के गले में सिर्फ रस्सी छोड़ देते थे। अगर मेरी बात पे यकीन नहीं तो आप इस क्लिप को देख लीजिए। पैसा ही पैसा हो गया।
साले तू। अब सब लोग भाई अपने दोनों हाथ ऊपर कीजिए, अरे करो ना यार, हाँ, दिमाग को फ्रेश कीजिए, कानों को तेज कीजिए और तैयार हो जाइए जोशीला डांस करने को। तेरा महबूब आना। अरे भाई थोड़ा सब्र करो, अभी तो फूल बरसे हैं, अभी ढोल बजने बाकी हैं, पूरा गाना सुनिए भाई। जब हम छोटे थे तब हम स्कूल में दोस्तों पढ़ने के लिए जाते थे और लड़कियों से हमेशा दूर ही रहा करते थे, लेकिन आजकल के स्कूलों में दोस्तों आशिकी 3 देखने को मिल रही है। तो भाई लोग ये थी आज की वीडियो, कौन सी वीडियो आपको सबसे बढ़िया लगी जरा मुझे कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना। गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।